अस्सलाम वालेकुम। तो भाई मुझे कुछ दिन पहले एक मैसेज आता है, वैसे मुझे आते रहते हैं ऐसे स्पॉन्सर के लिए, वीडियोस के लिए, कि भाई हमारी वीडियो बनाओ, कुछ $600 देंगे, $1000 देंगे, 1200 1500, जितनी बड़ी फ्रॉड वेबसाइट होगी यूट्यूबर को इतना ही पैसा खिलाती है। जरूरी भी नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा। यही सीन हुआ मेरे साथ रिसेंटली, और वो मुझे कहते हैं कि भाई आपको हम पहले, उन्होंने कहा $350 देंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, अगर आपकी वेबसाइट फिट हुई तो मैं इसको एक हफ्ते के लिए टेस्ट करता हूँ और मैं सारे टास्क कंप्लीट करूंगा। अगर विड्रॉल मिलता है और आप लोग दे रहे हैं लोगों को तो डन सीन है भाई, वीडियो बनाने में कोई मसला नहीं। और मुझे भी भाई $350 बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब 50,000 रुपये तो ऐसे ही आ जाएगा वीडियो से। और बाकी वो ये था कि रोज के $15-16 दे रहे थे और मैंने कहा अच्छी बात है भाई ये भी, और विड्रॉ करवाएंगे और ओपी सीन हो जाएगा। अच्छा सीन ये हुआ कि वो मुझे बोलते रहे कि भाई वीडियो बनाओ वीडियो बनाओ, और उन्होंने मुझे बोलना शुरू करा हम आपको $600 देंगे, बस वीडियो थोड़ी जल्दी कर दो। अब उस वेबसाइट पे सीन ही होता था कि उन्होंने मुझे स्पेशली एक चीज की थी कि आपने वीडियो में बार बार ये मेंशन करना है कि आप लोग जो, मतलब आपकी ऑडियंस होगी 20,000 लोग देखते हैं, 30 देखते हैं, जितने भी, तो वो जो है वो उनके मतलब मुख्तलिफ प्लान्स थे। एक प्लान $150 का लेवल वन का, फिर उसके बाद $200 का, $300 का, जैसे भी थे। तो आपने लोगों को इस चीज पे एग्री करना है कि भाई आपने यहां से प्लान्स लेने और आपको डेली बेसिस पे इनकम होगी। अब ये वेबसाइट्स काम किस तरह, इतनी ज्यादा वेबसाइट्स आती हैं और एक महीने बाद चली जाती हैं, और हमारे यूट्यूबर्स को जब पैसे दिखते हैं, मुझे भी ऑब्वियसली अच्छे लगते हैं और मैं भी वीडियो बनाता हूं, बट मैं एक चीज का मेक श्योर करता हूं, जितनी मैंने ऑनलाइन लर्निंग पे वीडियो बनाई है या तो वो बहुत ही ऑथेंटिक वे था, मुझे यूट्यूब, क्योंकि मैं खुद कमा रहा हूँ इतने ऐसे कमा रहा हूँ, मुझे यूट्यूब से भाई कोई उस किसी की जरूरत नहीं है, मैं बना सकता हूँ वीडियो। उसके अलावा मैं ब्लॉगिंग से कमा रहा हूँ या क्रिप्टो करेंसी से कमा रहा हूँ, तो वो सीन डन है, उसमें मुझे मतलब किसी भी चीज़ को वेरीफाई करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन यहाँ पर इस तरह की जो वेबसाइट्स आती हैं उनको वेरीफाई करना लाजमी होता है। मैंने एक रशियन वेबसाइट पर वीडियो बनाई थी तो उस पर तकरीबन 1 साल हो गए, मैं ठीक ठाक पैसे उससे मेरे बन जाते हैं, ऑटोमेटिकली बन रहे हैं, ठीक है। तो मैंने उसमें अपना लिंक दिया हुआ था, लोग जब उस रेफरल से जाते हैं, लोग भी काम करते हैं, वो भी कमाते हैं, मुझे भी पैसे होते हैं, मुझे खैर कुछ उस पर काम नहीं करना पड़ता। वो वीडियो का आप यहाँ पर लिंक देख सकते हैं। अच्छा, वो वेबसाइट काफी अच्छे से काम कर रही है, और जब मैंने उसको सर्च किया वो पुरानी वेबसाइट जो मैंने डन है इस पर वीडियो, वो खैर वीडियो स्पॉन्सर नहीं थी, वो रशियन वेबसाइट वाली, वो जस्ट एक मुझे अच्छी लगी, मैंने कहा इस पर वीडियो बना देते हैं। यहाँ पर ये जो लोग हैं चेहरे वालों को लगता है कि भाई पाकिस्तानी जो है सबसे बड़े चूँ हैं, मतलब वो हमें बिल्कुल इंडिया समझते हैं, मतलब इंडिया का फ्लैग समझ रहे हो। तो यहाँ पर भाई हमारे जो पाकिस्तानी यूट्यूबर है जो ऑनलाइन अर्निंग पे स्पेशली वीडियो बनाते हैं, वो तो भाई इस तरह इन वीडियो को बना देते हैं कि भाई एक बार बस सर से उतारना है, बाकी आवाम अपने पैसे लगाती है उसके डूबते हैं तो डूबने वाला सीन होता है। अच्छा, मैंने इनको बोला कि भाई मैंने विड्रॉल लगाया लेकिन विड्रॉल मुझे नहीं मिल रहा। जब मैंने इनको ये बोला तो तब इन्होंने मुझे कहा जो मैंने पहले बात की है कि आप हमसे यार 600 ले लो 350 की बजाय, आप वीडियो बस बना दो, आपको मतलब इससे आप बेशक वीडियो में ये बोल देना कि ये प्रमोशनल वीडियो है, तो वीडियो के एंड पे आप ये बोल देना कि ये प्रमोशनल है। मैंने कहा भाई एंड तक तो कोई बंदा वीडियो देखता ही नहीं है। स्टार्ट में उन्होंने कहा था आपने इस चीज़ पे जोर देना कि भाई लेवल 3 का ये आप $300 वाला प्लान खरीदोगे तो आपको ये फायदे होंगे, 600 वाला खरीदोगे तो ये होंगे। मैंने कहा भाई देखो ऐसे सीन हमारा नहीं बनने वाला। तो कहते हैं ऑलरेडी आप देख लो मुझे लिंक भेजने लग पड़े, फलाने यूट्यूबर ने वीडियो बनाई, फलाने बनाई, फलाने बनाई। मैंने कहा यार अच्छी बात है बनाइए, बट मुझे क्योंकि ये विड्रॉल नहीं मिल रहा है इससे तो भाई मैं इस पर ट्रस्ट नहीं कर सकता। अच्छा, तो ये आप सीन किस तरह करते हैं, एक वेबसाइट बनाते हैं उसके ऊपर कुछ ये टास्क टाइप वेबसाइट बनाते हैं। आप लोगों को बहुत ईजी लगता है कि भाई जस्ट टास्क करने हैं, फेसबुक की वीडियो, इंस्टाग्राम की पोस्ट जाके लाइक करनी और हमारे पैसे बनते जाएंगे। और यहाँ पर सीन ये होता है बहुत ही सिंपल तरीके से कि मतलब बहुत ईजी सीन है, और साथ ही यूट्यूबर को पे करना शुरू कर देते हैं, $500 मुझे दिए, 510 और यूट्यूबर को दिए, और इनका एक बजट होता है कि हाँ ठीक है हमने फॉर एग्जाम्पल $10,000 जो है मार्केटिंग पे लगाने, मार्केटिंग इनकी हो गई। अब हमारी भोली भाली आवाम वो क्या करती है कि जाती है और कहती है भाई हम ले लेते हैं यार, वैसे भी हमारे पास 30-40,000 पड़ा हुआ, इधर इन्वेस्ट करते हैं, महीने का $300 वाला हमने प्लान लिया और महीने का वो कहते हैं आपको $480 मिलेगा। अब वो एक डेढ़ महीने इन्होंने रहना होता है, इनके जैसे ही भाई वो 10,000 वाले मार्केटिंग वाले पैसे पूरे हुए, उसके अलावा $1,00,000 $2,00,000 जब इनको लगता है या ज्यादा भी मे भी हो सकता है कि $10,00,000 जितना भी, जब इनके मतलब इतनी कमाई हो जाती है, लोग इनके इतना प्लान खरीद लेते हैं और इनकी वेबसाइट शट डाउन हो जाती है, आप इनमें लॉग इन ही नहीं कर पाते, वो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन कंट्री में। अब जाहिर सी बात है यूरोप में लोगों को इतना सारा नॉलेज और भाग है, जो यूट्यूबर है वो भी इस तरह की वीडियो कभी नहीं बनाएंगे कि पैसे लेके बस आवाम पे डाल दिए, बस हमें पैसे मिल गए और सारा सीन डन हो गया। तो भाई इस तरह की अगर कोई भी वेबसाइट, आपको कोई भी यूट्यूबर किसी वेबसाइट का बताता है, मतलब जरूरी नहीं है वो वेबसाइट खराब हो लेकिन उसको वेरीफाई कर लें, और स्पेशली जो बिल्कुल न्यू वेबसाइट आई हुई है उस पर तो कभी इन्वेस्ट मत करें, इन्वेस्ट तो करें ही मत, ठीक है। तो आपने ये वेरीफाई अपनी तरफ से लाजमी कर लेना कि भाई हाँ ठीक है ये वेबसाइट 1 साल से काम कर रही है, लोगों को विड्रॉ दे रही है। और इस तरह की जो स्पेशली वेबसाइट होती है कि पहले खरीदो फिर कमाओ, उन्होंने 100% भागना होता है, आज नहीं तो कल वो भाग ही जाएंगी। तो भाई उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप लोग अपने पैसे बचा सकते हो और अपना टाइम भी वेस्ट मत करो। और यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।